जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सीईटी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एंड आप लोग 15 मार्च 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। रेगुलर एजुकेशन मोड में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और शिक्षा शास्त्री पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए, ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको आपका जो फर्स्ट नेम है पहले वो एंटर करना है। एंड अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ, और उसके बाद में डे, तो आपके डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कन्फर्म करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका जो एग्जांपल है वो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कि इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और कोई डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। एंड यहां पर फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए साइन अप पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहां पर जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आ चुका है, आपने इन जानकारी को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आपको बोला है तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक यूजर नेम एंटर करना है, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एंड फिर इसके बाद बोला है एंटर एक्टिवेशन कोड, जो आपको अभी एक एक्टिवेशन कोड मिला है आपके नंबर पर वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉग इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी लॉग इन की इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड है, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। अब आपको माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, आपको बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री किस पर अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने बीएड सिलेक्ट किया, तो फिर अब आपको यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करके यहां पर टिक करना है। एंड देन आपको एड द प्रोग्राम इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर एप्लीकेंट डिटेल आपकी इनकम्प्लीट है, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको कुछ अपनी और जानकारी फिल करनी है, जिसकी कैंडिडेट नेम इन हिंदी, यानी कि आपको आपका नाम हिंदी के अंदर एंटर करना है। अगर आप यहां से सही से एंटर नहीं कर पा रहे तो आप कहीं और पर लिख करके उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप बिहार के निवासी है, अगर हाँ तो यस यहां पर बिहार सेलेक्ट करें, अगर आप अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम बिहार सेलेक्ट करते हैं। फिर नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपके यहां पर आपकी दी गई है। अब गाइज मैं बात करने वाला हूं बिहार सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो इसी ने यह बुक आपकी जारी की है, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको काफी कुछ मिलेगा, जिसमें कि मेन हाईलाइट है आपकी 5 सोल्ड पेपर, जो कि 2022 का पेपर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। साथ ही 2100+ महत्वपूर्ण भविकल्पी प्रश्न भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ये जो बुक है ये आपकी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है उसके ऊपर आधारित है। तो आप यहां पर इस बुक के माध्यम से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट बुक के लिए खोज रहे हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए यही है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको इस बुक को बाय करने का लिंक दिया है, बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपका जेंडर दिया गया है, फिर आपसे पूछा डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए। यस करने पर फिर आपको बताना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो आप यहां पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास आईडी आपने सेलेक्ट की है वो आप यहां पर उसका नंबर एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो या अनमैरिड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल करेंगे। जैसे कि बिल्डिंग, हाउस नंबर जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। कोई लैंडमार्क है तो आप यहां पर लिखेंगे। टाउन या फिर मोहल्ला या फिर विलेज कौन सा है उसका नाम आपको यहां पर देना है। आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे। स्टेट आपके यहां पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर आपकी एंटर कर देनी है। फिर जो भी पिन कोड है आपका, वो पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है, तो आपका फोटो फाइल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका इमेज इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके चूज फाइल पर जहाँ पर भी आपकी साइन है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड इसको ओपन करेंगे। फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके फाइल अपलोड कर देंगे। अब आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। सबसे पहले है 10th, तो आपको बोर्ड का नाम बताना कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका बोर्ड इनमें है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास किया। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल से किया उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स वाले सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको 12th की जानकारी सेम तरीके से देनी है। अगर आपका इनमें से बोर्ड है तो आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कौन से साल के अंदर आपने 12वीं किया वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्कूल कॉलेज का नाम देंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स में एंटर कर देंगे। ग्रेजुएशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए सभी ईयर के मिला करके वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखाया हूँ। फिर अगर आपने PG डिग्री की है तो आपने कौन सी की है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरिए जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की भरी है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको बोला है कि आपका जो साइज़ है डॉक्यूमेंट को 200 KB से कम और फॉर्मेट JPEG, JPG, BMP और PDF का, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो पहले तो आपको सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि जो 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेम तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करके मार्कशीट सेलेक्ट करें एंड यहाँ से अपलोड कर दें। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज अपलोड किया हूँ। इसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि फादर के नेम पे होना चाहिए एंड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, तो आप एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को कौन से नंबर पर रखना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में वो आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी अभी शुरू से लेकर अभी तक भरिया आप इन सभी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर आपको कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट टाइप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक्स, तो जिस भी माध्यम से करना है वही आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फिर से यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। अब आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट माध्यम आ चुका है। आप यहाँ पर इस माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग बिहार BEd ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।